हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं सुरक्षा बल की तैनाती है। धक्का मुक्की सी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, उनको रोकने की कोशिश यहां पर हो रही है। आशुतोष जरा बताइए, ये आम आदमी पार्टी दफ्तर जहां पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है, यहां से कोर्ट की कितनी दूरी है? ये आप कोर्ट और आम आदमी पार्टी दफ्तर भी समझिए बस एक सर्विस लेन है, तो और ये लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते। मैं आपको बता दूं कि ये जाना चाहते हैं बीजेपी दफ्तर, ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ है। धनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। प्रदर्शन कहाँ तक कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, कल मनीष जी को जिस तरीके से गिरफ्तार करा है वो गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी थी। नरेंद्र मोदी अमित शाह के दम पे आज भी पुलिस की गुंडागर्दी देखिए। ये पुलिस दिल्ली में बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं करेगी, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलना है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना है, वो काम पुलिस करेगी। एक ऐसे झूठे केस के अंदर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करा है, जिस केस के अंदर कई मनीष जी का नाम नहीं है, FIR में नाम नहीं, चार्जशीट में नाम नहीं। तो अदालत तय करेगी ना, वो तो अदालत तय करेगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और अदालत के बीच। चार्जशीट हुई, किसी में मनीष जी का नाम नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पे CBI ने कल मनीष जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करा। आज हम कह रहे हैं मनीष जी खड़े, मनीष जी का खड़ा होना भी क्राइम हो गया, अपराध हो गया। दिल्ली की पुलिस बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कर रही है। घनेन्द्र भारद्वाज को सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और यहाँ पर देखिए एक तरफ पार्टी के जो प्रवक्ता है वो आक्रोशित हैं, वो अपना गुस्सा जता रहे हैं, तो सड़कों पर यहाँ पर द्वंद चल रहा है। आपने सवाल पूछा था कि कोर्ट की प्रीमिसेस जो है कितना दूर है, दरअसल उसके बीच की दूरी नहीं है, लेकिन ये लोग अदालत की ओर जा भी नहीं रहे, ये कोर्ट की ओर जाने की कोशिश भी नहीं है। दरअसल ये बैरिकेड पार करके बीजेपी जाना चाहते हैं वहां तक, और पुलिस अभी ने वही जाने से रोका। हालांकि कोर्ट के बाहर भी पर्याप्त सुरक्षा है। पार्टी के नेता भी जुड़े हैं, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है। वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई है, आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है, पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, ताना चाहिए। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं, आप उन्हें कनॉटप्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए, ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो जेल में, खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर किस तरीके से जुटे हुए हैं, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है आप दफ्तर के बाहर, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। उनको पीछे हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है ये बीजेपी दफ्तर तक जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वहां पर टीमें मौजूद है, सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बल्कि CBI मुख्यालय के बाहर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां कार्यकर्ता जुटे तो उन्हें भी वहां से हटाया जा सके, और साथ ही साथ कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब से थोड़ी ही देर के बाद मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का हल्ला बोलिए आप देख रहे हैं। आशुतोष लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट इन तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आशुतोष,
ये हंगामा, ये हलचल और तेज होती जा रही है जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट ले जाना है। बिल्कुल, और पुलिस सफलतापूर्वक कम से कम जितने प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं उनको पीछे ले जाने में, खदेड़ने में कामयाब रही है। अब आप जो देख पा रहे हैं ये भी देखिए, दूसरे विधायक को पहले ही सड़क के एक हिस्से पर थे, तब तक पार्टी के दूसरे विधायक आए वो दूसरे हिस्से पर भी आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर आप जरनैल सिंह को देख पा रहे हैं, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन से विधायक, और अब यहाँ पर एक जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के। जल्दी से आपको जरा संजय शर्मा के पास भी लिए चलते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर वो हैं। संजय, वहां पर क्या तैयारी आप देख रहे हैं? वहां पर जहां पर मेरे सहयोगी दोनों खड़े हैं वहां पर राजनीतिक तूफान है, यहां पर तूफान से पहले की शांति है। 2 बजे के बाद किसी भी समय सीबीआई ने यह कहा है कि वो मनीष सिसोदिया को यहाँ पेश करेगी, और हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन प्रेमचंद से कहूंगा, पूरा इलाका आज विशेष रूप से छावनी में तब्दील है और अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, हर आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले ही विशेष रवि अपने समर्थकों के साथ एक चक्कर लगाकर गए हैं। इसके साथ ही यहाँ कोर्ट नंबर 512 पांचवी मंजिल पर, जहाँ सीबीआई के विशेष जज M.K. नागपाल की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा, और वहां उम्मीद की जा रही है सीबीआई उनकी कस्टडी के लिए मांग करेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार में अगर कोर्ट उनकी कस्टडी सीबीआई को देता है तो कोर्ट 3 से 4 दिन की कस्टडी में मनीष सिसोदिया को सीबीआई को सौंप सकते हैं, ताकि सीबीआई इस मामले में जिन लोगों के साथ उनका कन्फ्रंटेशन कराना चाहती है, जिन मामले में सबूत जुटाने को लेकर उनसे पूछताछ और बाकी अन्य चीजों की तस्दीक कराना चाहती है, उन सब के लिए टाइम लगेगा, और हो सकता है कि दिल्ली से बाहर भी जो 2-4 लोग हैं उनसे मिलाने के लिए उनको ले जाना पड़े या उनको यहाँ बुलाकर कन्फ्रंटेशन कराना पड़े।